अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैट इनवॉइसिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं यूएई में, दुबई में, या ओमान में, या मस्कत में, किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, चाहे फिर वो रिटेल शॉप हो या आपका जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए सूटेबल है। इसमें आप अपनी वैट बिलिंग भी कर सकते हैं, वैट रिटर्न भी आपको सॉफ्टवेयर बता रहा होगा कि आपको कितना रिटर्न पे करना है, आपको टोटल आपके अकाउंट्स के लेजर्स, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तमाम तरह चीज़ें इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, यूज़र लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, हर यूज़र को लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से हम एडमिन का पासवर्ड डाल के एंटर कर लेते हैं। यह आ गया हमारा मेन मेन्यू। यहाँ पर जो है वो हम तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। वैट एडिशन बिलिंग सॉफ्टवेयर है ये। सबसे पहले हम आते हैं न्यू कस्टमर पे। नाम यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को ओपन कर सकते हैं, अरबिक में भी आप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है वहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, एक हो गया कैश कस्टमर, एक हो गया क्रेडिट कस्टमर। अब हम क्रेडिट कस्टमर में आके यहाँ पर कोई भी कस्टमर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया ABC ट्रेडिंग LLC, ठीक है। इसका कॉन्टैक्ट पर्सन आप डाल सकते हैं, इसका एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर, इनके साथ अगर आपको रीजन वगैरह डालना है, टेलीफोन, मोबाइल, TRN नंबर डालना है, तमाम चीज़ें डाल सकते हैं। क्रेडिट लिमिट लगानी है, क्रेडिट टर्म्स लगाने हैं, ये तमाम ऑप्शन आप यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। ये सिंपली हमारे पास सेव हो गया। एक कस्टमर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके बाद आप जितने भी कस्टमर चाहें, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स, अनलिमिटेड यहाँ पे कस्टमर्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप वेंडर्स यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें, वेंडर्स के भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश परचेज वेंडर है या क्रेडिट वेंडर्स हैं। इसके बाद आते हैं हम ऐड न्यू आइटम्स में। अब आप किस आइटम में डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वॉचेज़ में डील करता हूँ। मैंने यहाँ पर बता दिया एक मैंने कैटेगरी बना दी वॉचेस। अब वॉचेस के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया रोलेक्स की मेरे पास वॉच है या और किसी कंपनी की है, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब रोलेक्स के अंदर मैंने बता दिया भाई आइटम का नाम है रोलेक्स, ये इसका मॉडल नंबर है या उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है, जो भी मैं वो यहाँ डाल दूँगा। इसके बाद उसकी आइटम डिस्क्रिप्शन, उसका रैक नंबर, परचेजिंग प्राइस मैंने डाल दी, फिर 1200 दरम परचेजिंग है, 1500 दरम सेलिंग प्राइस है, री ऑर्डर क्वान्टिटी लगा सकते हैं हम। जैसे ही आपके पास स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा। यहाँ से हम उसको, अगर आपको टैक्स लगाना है, सेल टैक्स परसेंट फिक्स करना है, 5% वैट मैंने वो फिक्स कर दिया, इसको सेव कर दिया, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहें यहाँ पर चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने आते हैं परचेज़, वैट परचेज़ पे। अब वैट परचेज़ करूँगा मैं, किससे परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने बता दिया अली इंटरप्राइज मेरा वेंडर है, वेंडर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैं बता दूँगा रोलेक्स में परचेज़ कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास दिखा रहा है कि भाई आपके पास स्टॉक में 0 पीसेज हैं। मैंने बता दिया कि मैं जो है वो 20 पीस परचेज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 का इसका जो है वो अमाउंट आ गया। 5% वैट लगा दिया हमने तो 1200 का दरम वैट बन गया, 25200 दरम जो है वो टोटल हमारा इंक्लूडिंग वैट आ गया। अब अगर आप मल्टीपल लोकेशन है आपकी, लाइक वेयर हाउस अलग है, गोडाउन अलग है, तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। अब ये बिल बन गया, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल हमारे वेंडर को 3000 दरम एडवांस दे रहे हैं, बाकी ये अमाउंट उसके लेजर में चली जाएगी, वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ये आपका परचेज इनवॉइस आ जाता है जिसमें ऊपर आपकी कंपनी की डिटेल्स आएंगी। आप इसको PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और पार्टी को डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब मैं रिपोर्ट्स में आके आपको दिखाता हूँ व्यू अकाउंट्स लेजर। यहाँ पर मैंने डाल दिया अली इंटरप्राइज, इसको जैसे ही मैं डिस्प्ले करूँगा ये आपको दिखा रहा है, ये पार्टी का लेजर आ गया, ये इसका अमाउंट था, ये हमने पे कर दिया, डेबिट हो गया, ये बकाया क्रेडिट जो हमें मज़ीद इसको पे करना है। प्रिंट करूँगा तो पूरा इसका लेजर प्रिंट हो जाएगा। डेट वाइज आप निकालना चाहें आप डेट वाइज निकाल सकते हैं, मंथली, वीकली, जो डेट लगाएंगे उस तरह आपका निकल जाएगा। अब मुझे रिपोर्ट्स देखना है, इन्वेंट्री चेक करनी है, मैं इन्वेंट्री में आ गया, इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 क्वांटिटी हमारे पास इन हो चुकी है, आउट अभी तक 0 है, यानी हमने सेल नहीं किए, तो 20 हमारे पास बैलेंस दिखा रहा है। अगर आपको कैटेगरी वाइज अपना स्टॉक देखना है, अब वॉचेस देखनी है, वॉचेस के अंदर मुझे सिर्फ रोलेक्स का स्टॉक देखना है या किसी और ब्रांड का देखना है, तो मैं कैटेगरी वाइज भी देख सकता हूँ। इसके साथ पीरियड वाइज देखना है आपको, लोकेशन वाइज देखना है, ब्रांड वाइज देखना है, तो मल्टीपल फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वैट इनवॉइस। अब वैट इनवॉइस बनानी है कस्टमर को। अब जो मैंने ऐड किया था LLC, फॉर एग्जांपल मैंने ABC ट्रेडिंग LLC ऐड किया, इसको मैं इनवॉइसिंग कर रहा हूँ। अब मैंने बता दिया कि मैं इसको रोलेक्स सेल कर रहा हूँ, 20 क्वांटिटी मेरे पास दिखा रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने 2 क्वांटिटी दे दिया, 1500 दरम 5% वैट लगा दिया, ये टोटल इसका वैट बन गया। अब अमाउंट रिसीव कर लिया मैंने, फॉर एग्जांपल 1000 दरम रिसीव कर लिया, बाकी ये बैलेंस हो गया। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ये आपका एक वैट इनवॉइस प्रिंट हो जाता है, सेल टैक्स इनवॉइस जिसे हम कहते हैं। इसमें आपका TRN नंबर आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, सारी चीज़ें इसमें आपके पास आ जाएंगी।
इसको PDF करना है या डायरेक्ट प्रिंट करना है वो भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे टोटल सेल देखनी है, पूरे दिन की सेल रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास, ये टोटल सेल आ रही है, टोटल वैट आज का कितना आपका कलेक्ट हुआ है वैट आपको दिखा देगा, ये सेल रिपोर्ट आ गई। इसको पीरियड वाइज देखना है मुझे, वो पीरियड वाइज देख सकता हूँ, कस्टमर वाइज देखना है, कैश और क्रेडिट देखना है, वो तमाम चीज़ें इसमें दिखा देगा। उसी तरह परचेजिंग देखनी है मुझे, लोकल परचेज मैंने क्या किए वो लोकल परचेज आपको सारा दिखा देगा, पीरियड वाइज दिखा देगा, टैक्स देखना है, नॉन टैक्स देखना है, वेंडर वाइज देखना है, वो पूरा लोकल परचेज। आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, यहाँ पे आप आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि आज के दिन में आपको 600 दिरहम का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह पीरियड वाइज प्रॉफिट देखना है, पीरियड वाइज देख सकते हैं। इसके साथ इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है आपका, पूरा PNL बैलेंस शीट रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट, तमाम तरह चीज़ें आपकी इसमें बन जाती हैं। ये आपका पूरा PNL आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें आपको टोटल कैश एंड बैंक बैलेंसेज, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, तमाम चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि ERP सॉफ्टवेयर कहलाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वैट बिलिंग सॉफ्टवेयर। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको हमसे रब्ता करना है आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।